इस वक्त राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा गूंज रही है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इस बीच एनडीए द्वारा अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कल शाम को घोषित कर दिया गया है, जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू। लेकिन सभी के मन में एक सवाल तो होगा ही कि यह द्रौपदी मुर्मू आखिर हैं कौन। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में बताएंगे। द्रौपदी मुर्मू संथाल परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जो कि एक आदिवासी समूह है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था। द्रौपदी का विवाह श्यामचरण मुर्मू नामक व्यक्ति से हुआ था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। द्रौपदी के पास दो बेटे और एक बेटी है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनके दोनों बेटे इस दुनिया में अब नहीं रहे। फिलहाल उनके साथ उनकी एक बेटी रहती है और उसी के सहारे द्रौपदी अपना जीवन यापन करती हैं। यह तो थी द्रौपदी के पारिवारिक जीवन की कहानी। अब जानते हैं उनका राजनीतिक करियर कहां से शुरू हुआ और कितने उतार चढ़ाव उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में देखे। मुर्मू के राजनीतिक करियर की शुरुआत सन 1997 में पार्षद का स्थानीय चुनाव जीत कर हुई थी और उसी दिन से मुर्मू का राजनीतिक करियर में चार चांद जुड़ना शुरू हो गए। पार्षद चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भाजपा के एसटी मोर्चा की राज्य उपाध्यक्ष बन गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा द्रौपदी मुर्मू को दो बार रायरंगपुर सीट से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दी गई और उन्होंने दोनों बार वहां जीत हासिल की। सन 2000 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का भी पदभार बीजेपी द्वारा मुर्मू को दिया गया। वर्ष 2007 में मुर्मू को उड़ीसा विधानसभा द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विधायक होने के लिए सम्मानित भी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मुर्मू ने बीजेपी के लिए कई भूमिकाएं निभाईं और अपनी हर चुनौती में वह हर रूप में खरी उतरी। वर्ष 2015 में बीजेपी द्वारा उन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में चुना गया। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं और वह उड़ीसा की पहली आदिवासी नेता भी हैं जिन्हें भारतीय राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया गया है। द्रौपदी मुर्मू की प्रतिभा को देखते हुए बीजेपी ने मुर्मू को मंगलवार को एक और चुनौती देते हुए एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार क्या यूपीए की तरफ से खड़े यशवंत सिन्हा को हरा पाएंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आता है कि कौन होगा भारत का 15वां राष्ट्रपति, कमेंट करके ज़रूर बताएं।